हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड टॉप। सिवाय शो तारक मेहता का ओल्ड एस मामे बेड़े के घर की चोरी की स्टोरी फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। एंड गाइस, तारक मेहता शो में जो अपकमिंग स्टोरी आने वाली है वो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जैसा हमने रिसेंट एपिसोड में देखा कि यहाँ पर गोकुलधाम सोसाइटी में रोशन सिंह सोढ़ी के कुछ दोस्त आते हैं, एंड जिसके बाद के रोशन सिंह सोढ़ी ये बात डिसाइड करता है कि वो इस बार गोकुलधाम सोसाइटी में कुरुनाना जयंती के अवसर पर कीर्तन करेगा। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा शौक आके देता है आत्माराम भिड़े, क्योंकि आत्माराम भिड़े बोल देता है कि वो गोकुलधाम सोसाइटी में रोशन सिंह सोढ़ी को कीर्तन करने की परमिशन नहीं दे सकता। अब भाई, यहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पर हम सभी लोगों को एक गलत फहमी हो रही है। जी हाँ, यानी कि हमारे समझने में कुछ कन्फ्यूजन हो रही है। यहाँ पर आत्माराम भिड़े का कहना है कि वो गोकुलधाम सोसाइटी में, क्योंकि यहाँ पर आत्माराम भिड़े का ये कहना नहीं है कि वो रोशन सिंह सोढ़ी को परमिशन नहीं देगा, बल्कि उसके कहने का मतलब है कि अगर गोकुलधाम सोसाइटी का हर एक मेंबर अपनी अपनी सहमति जताएगा तो ही रोशन सिंह सोढ़ी को गोकुलधाम सोसाइटी में कीर्तन करने की परमिशन मिलेगी। एंड इसके बाद ही आत्माराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर ऑफिशियली लिख देगा गुरु नानक जयंती के मौके पर कीर्तन का आयोजन होने वाला है। एंड जिसके बाद गोकुलधाम सोसाइटी का हर एक मेंबर आत्माराम भिड़े की इस बात से एग्री हो जाएगा। एंड आने वाली स्टोरी में हमें गुरु नानक जयंती के इंटरेस्टिंग बातें पता चलने वाली हैं। तो गाइस, पहला पता है कि आप भी आने वाली स्टोरी को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। गाइस, इस बारे में आपको जो भी कमेंट्स और रिव्यूज हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बॉलीवुड टॉप को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे।